Hello everyone, today I'm going to discuss your next topic, that is reasoning of amines. तो reasoning question जो amines chapter में बनते हैं वो सारे आज हम इस video में discuss करेंगे. तो सबसे पहले हम solubility के questions, then boiling point के, फिर उसके बाद basicity के जो है वो question हम discuss करेंगे. तो सबसे पहला जो है जो question board exam में पूछा जाता है, काफ़ी बार जो है पूछा भी गया है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. तो इसमें लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट. ओके, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर whereas aniline is not. ठीक है, जो इथाइल अमीन है वो वाटर में सोल्यूबल है, बट जो आपके पास एनिलीन है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है. क्या रीज़न है इसका? ठीक है, तो हमें पता है कि सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है इसमें कि जो लो और एलिफेटिक अमाइन्स होते हैं, जैसे इथाइल अमाइन है, वो आपका क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर के साथ. ठीक है, तो किस तरह से बॉन्ड बनता है, ये है आपके पास NH2C2H5 इथाइल एल्कोहल, सॉरी इथाइल अमीन. ठीक है, इथाइल अमीन है, वाटर के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे डॉटर जो है वो आपने लाइन शो करनी है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. यहाँ पे फिर से आपका क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल, और नेक्स्ट C2H5 NH2, देन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. तो ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या है आपके पास, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अमीन. ठीक है, तो इथाइल अमीन और आपके पास ऑक्सीजन के बीच में जो है वो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन वाटर का, इसके बीच में देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है इथाइल अमीन के अंदर. इसलिए ये क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल है. ऑन द अदर हैंड अगर हम एरोमेटिक अमाइन देखें, एरोमेटिक अमाइन लाइक दैट ऑफ एनिलीन की एग्जाम्पल ली है, तो यहाँ पे ये जो एनिलीन है ये वाटर में इनसॉल्युबल है. क्या कारण है, दिस इज ड्यू टू द लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट विच हिंडर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर. ठीक है, तो सिंपल आपने क्या लिखना है इसमें कि इथाइल अमीन के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन्स और इन केस ऑफ एनिलीन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस इज ड्यू टू द लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट विच हिंडर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बनते हैं, ड्यू टू दिस इट इज इनसॉल्युबल. और इथाइल अमीन आपका सॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पे वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं ये कंसेप्ट जो है वो आपको करवाऊंगी. तो देखिए, वाई डू प्राइमरी अमाइन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शियरी अमाइन. जो प्राइमरी अमाइन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइन्स का हायर है किससे, टर्शरी अमाइन से. क्या रीज़न है? ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट भी हमने किसके अकॉर्डिंगली, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें जितनी ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें जितना ज़्यादा है उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है. अब हमने देखना है, पहले ये बताना चाहिए प्राइमरी अमाइन्स क्या होते हैं, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, ये क्या है आपके पास, प्राइमरी अमाइन्स. सेकेंडरी अमाइन्स में क्या होगा, जिसमें टू अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी अमाइन्स. ठीक है, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी अमाइन्स. टर्शियरी अमाइन्स क्या होंगे, जिसमें आपके पास थ्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है आपके पास, टर्शियरी अमाइन्स. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. अब ये क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी अमाइन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाइएस्ट होता है. तो हमें वो साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये, तो उतनी जितनी जिसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितनी ज़्यादा होगी. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगी उसमें उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इट मीन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऑनली कितने हैं, वन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होगा. इस केस में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सारे अल्काइल ग्रुप है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ द टर्शियरी अमाइन इट हैज अ
लोएस्ट और लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड इन केस ऑफ प्राइमरी माइन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ द प्राइमरी अमाइन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्राइमरी अमाइन इज हाइएस्ट, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट है, तो ये लिखना है आपने इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई अमाइन्स एट द लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, कि जो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमाइन्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है अल्कोहल से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो अमाइन्स का है वो कैसा है, लोअर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इज लोअर लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, क्या रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट जो अमाइन का है वो लोअर है किससे, एल्कोहल से। अमाइन्स आपके पास ये हैं, ठीक है, अमाइन्स आपके पास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास, कम है, ठीक है, अमाइन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, वो कम है किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, जैसे इथाइल अल्कोहल ही ले लिया हमने, ठीक है, C2H5OH ले लिया मान लो, तो इसमें कहते हैं इसका जो इथाइल अमाइन ले लेते हैं C2H5, ये दोनों के इसी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इथाइल अमाइन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास, लेस है देन दैट ऑफ द इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अमाइन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, C2H5NH2, ठीक है, ये है इथाइल अमाइन, और अल्कोहल का आपके पास इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, तो इसमें कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न इज़ दैट बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है तो ऑलवेज किसके अकॉर्डिंगली हमने इसको एक्सप्लेन करना है, ये भी आपका कंसेप्ट किसके हिसाब से एक्सप्लेन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी कंसेप्ट हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे देखिए कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कौन सा है नाइट्रोजन है, तो पहला आपने क्या देखना है यहाँ पे कंसेप्ट जो कि ड्यू टू द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्जर साइज ऑफ नाइट्रोजन देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, लेस है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और साइज कैसा है नाइट्रोजन का, लार्जर साइज है इसका, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस एंड साइज इज लार्जर, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है इसकी, लार्जर है, और साइज कैसा है इसका, स्मॉलर है, ठीक है, साइज कैसा है, साइज ऑक्सीजन का स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज इसका ज़्यादा है, लार्जर है, तो एज सच यहाँ पे अगर हम देखें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्गर होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट हियर मोस्ट स्ट्रांगली, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होगी इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो क्या होगा, इसलिए मोर होगा देन दैट ऑफ द अमाइन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास है इनके, यहाँ पे भी C2H5, यहाँ पे भी C2, यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2 अमाइन ग्रुप है, सिर्फ एक ग्रुप का चेंज है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होने की वजह से, और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज स्मॉल है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाइएस्ट होगा, यहाँ पे वीक है बॉन्ड, लार्जेस्ट साइज है इसका, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द नाइट्रोजन इट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथाइल अमीन इज लेसर, ठीक। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है अमाइंस का कंपेरिजन एल्कोहल का साथ में एसिड का पूछ लिया जाता है, ठीक है, साथ में जैसे एसिड ले लिया उसका कंपेरिजन पूछ लिया जाएगा कि इन तीनों में बताइए कि इसका जो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है एल्कोहल और इससे क्या रीज़न है, तो रीज़न सेम जैसे इसमें दिया
वो देना है, लेकिन इससे इसके साथ जब आपने एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से आपने लिखना है कि अमाइंस हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अमाइन, ठीक है, क्लियर, विच इज एबसेंट इन द हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो, अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर भी आपको करना आ जाए, एसिड के साथ अगर आ गया साथ में, तो यहाँ पे आपने जो है वो इतना लिखना है यहाँ पे कि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन जो है वो 2 है, और यहाँ पे आपके पास ओनली 1 जो है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर। तो जैसे कंसेप्ट हमने OH के केस में ऑक्सीजन यहाँ पे बताया कि सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस केस में आपने बोलना है कि यहाँ पे 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉगर हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा, उससे कम देन इसका उससे भी कम, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के साथ भी आ जाता है कि अमाइंस पे जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हायर है हाइड्रोकार्बन से, अगर हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो कंपेयर करना आ गया तो, ठीक है, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है लेकिन एसिड और अल्कोहल जो है उनसे कम है, क्या रीज़न है? तो रीज़न यही बताना है कि एसिड के अंदर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे 1 है इसकी भी स्ट्रॉन्गर है, इसलिए अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन दोनों से कम है, इन दोनों का इससे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसका कंपेरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ अमाइंस का, तो यहाँ बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हाइड्रोकार्बन में है ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट है, ठीक है, ड्यू टू द एबसेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज लेसर, यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे C2H5 के केस में क्या होगा, यहाँ पे C2H5NH2 है, यहाँ पे दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम भी है, तो इस केस में अमाइंस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्गर है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये रीज़न है इसमें। ये थे आपके बॉइलिंग पॉइंट और इस उसके सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है आपको बेसिसिटी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो बेसिसिटी के क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हमने अदर चैप्टर में एक्सप्लेन किए वैसे यहाँ पे भी हैं, लेकिन बस यहाँ पे OH का नहीं, हमने अल्काइल ग्रुप और लोन पेयर के अकॉर्डिंगली हमने जो है एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए बेसिसिटी का क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, जो इथाइलामीन है आपका वो मोर बेसिक है, इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, लिखते हैं इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ठीक है, इथाइलामीन जो है वो मोर बेसिक है एनिलीन से, क्या रीजन है? तो एनिलीन जो है आपका एक वीकर बेस है, किससे? इथाइलामीन से, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है इस फॉर्म में भी कि व्हाई अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइंस, वही चीज़ है, अल्काइल अमाइन है या अराइल अमाइन है, उसकी जगह एनिलीन और इथाइल अमाइन लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती हैं अमाइंस के केस में, तो एनिलीन जो है मे बी रिगार्डेड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो कितनी 5 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये शो करता है। तो अमाइंस में देखिए किस तरह से बनेंगी एनिलीन्स में, मतलब ठीक है एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये यह है आपके पास NH2, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला इस कॉर्नर पे करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, NH2 आपका एज इट इज ही रह जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ जो शिफ्ट किया है, अब यहाँ पे शिफ्ट करके हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, फिर इसको आपने सेंटर में शिफ्ट करना है और इसको अगले कॉर्नर पे शिफ्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे इसको शिफ्ट किया ये यहाँ आ गया, ठीक है, NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ इसको दिखाइए और नेक्स्ट जो है आपके पास ये यहीं पे रहेगा, अब इस स्ट्रक्चर में ये यहाँ चला जाएगा, ये अगले कॉर्नर पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये बॉन्ड यहीं पे रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये इस कॉर्नर पे ये डबल बॉन्ड आपके पास NH2 यहीं पे रह जाएगा,
फिर ये वाला जो पेयर है आपने यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे इसको शिफ्ट करिए, ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे है ये वाला, यहाँ आ जाएगा और NH2 फिर से सिंगल एज इट इज, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनती हैं, कितनी बन रही हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, स्ट्रक्चर 4 और यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 5, ठीक है। 5 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बनती हैं। लिखना क्या है आपने इसमें कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस, या ड्यू टू द रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम गेट डी लोकेलाइज ओवर द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग के ऊपर डी लोकेलाइज हो रहे हैं, ठीक है, डी लोकेलाइज ओवर द बेंजीन रिंग एंड दिस इट इज लेस इजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए इजिली अवेलेबल नहीं होगा ये। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन एक्वायर द सम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर जो है आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर जो है कैरी द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है स्ट्रक्चर 2, 3, 4 शो कर रही हैं एंड दिस रिपेल द इनकमिंग प्रोटोन, ओके, ये क्या करता है, रिपेल करेगा उसको। ऑन द अदर हैंड अगर हम इथाइलमीन की बात करें तो ये हो गया आपका एनिलीन के केस में कि यहाँ पे एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड दिस रिपेल द इनकमिंग प्रोटोन, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो लोन पेयर है ऑन द नाइट्रोजन एटम गेट डी लोकेलाइज ओवर द बेंजीन रिंग एंड दिस इट हैज लेस इजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, ओके। दूसरी साइड हमने इसको कंपेयर करना है इथाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे क्या आपके पास इथाइल अल्कोहल, इसको हमने इथाइल अल्कोहल नहीं इथाइल अमीन, ठीक है, C2H5NH2, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स इसका प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन द अदर हैंड इन इथाइल अमीन द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम वाई द रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, मोर एवर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इज ऑल्सो इंक्रीज वाई द, कैसे हो रही है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट है इथाइल ग्रुप का यहाँ पे ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा अराउंड द नाइट्रोजन एटम और ड्यू टू दिस यहाँ पे जो है वो क्या है, चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है। इथाइलमीन आपका कैसा है, ज़्यादा बेसिक है, लोन पेयर भी है इसके पास, इथाइलमीन जो है इसमें लोन पेयर है और साथ में अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है टूवर्ड द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की तरफ, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है और एनिलीन आपका कम बेसिक है, वहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन और आता है कि विच इज़ मोर बेसिक, एलिफेटिक अमाइन या अमोनिया, कौन ज़्यादा बेसिक है, उनमें भी आपने यही सेम कंसेप्ट जो है वो यूज़ करना है कि एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन कौन से होते हैं, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है, अल्काइल ग्रुप आ गया जिसमें, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया में ये है एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है ये, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या है, अमोनिया, आउट ऑफ 2 अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन कौन ज़्यादा बेसिक है, यहाँ पे भी हमने क्या देखना है कि जो एलिफेटिक अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है, एक तो लोन पेयर है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम, ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है, बट इन केस ऑफ अमोनिया ओनली लोन पेयर इज हियर बट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्लस सा इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का, प्लस सा इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज द अल्काइल अमोनियम आयन फॉर्म्ड एंड हेंस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मेकिंग द अल्काइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, तो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है आपका ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लस है इफेक्ट है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये लेस बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये लेस स्ट्रॉन्गर होगा ये, ठीक है, तो ये लीस्ट बेसिक है, ये स्ट्रॉन्गर बेसिक है, तो ये है आपका बेसिसिटी का क्वेश्चन। इसी तरह से इथाइलमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, उसमें भी ये लिखना है,
जैसे एरिफेटिक अमाइन को ही बोला, तो इथाइल अमीन में आपने क्या ले लेना है, क्वेश्चन आपको और क्या सकता है, इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो इथाइल अमाइन क्या हो गया, C2H5, ये हो गया आपके पास NH2, तो यही है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अमोनिया क्या हो जाएगा, ये अमोनिया है आपके पास, ठीक है, इथाइल अमीन और ये अमोनिया है। इथाइलमीन और ये अमोनिया, ठीक है। तो इथाइलमीन के अंदर क्या है आपके पास, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट है, सेम वही रीजन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम एंड शो द मोर बेसिक रिएक्टर। और अमोनिया के केस में यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर ही आपके पास और कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये लेस बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये थे आपके बेसिसिटी के क्वेश्चन, और आपके जो है वो सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोजन दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन जो थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं। इसके अलावा और भी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम जो है वो देखते हैं, जैसे एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइन है वो सिंथेसिस नहीं होते गैब्रियल पथैलेमाइड से, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। और अमोनोलिसिस क्या है, अमोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बनते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अमोनोलिसिस क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अमोनोलिसिस क्या होती है, अमोनोलिसिस इसमें हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी स्कैंड्रियल टर्शियरी अमाइन बनते हैं विद द सम अमाउंट ऑफ द क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट आ जाता है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, ठीक है। तो अमोनोलिसिस में क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करते हैं आपके अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास क्या दे देते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड है ये किससे रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे आपके अमोनिया के साथ, ठीक है, एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ RnH2 साल्ट बनता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी अमाइंस बनते हैं ये। तो जो अल्काइल हैलाइड है ये रिएक्ट करता है अल्कोहलिक अमोनिया के साथ टू फॉर्म द प्राइमरी स्कैंड्रियल एंड टर्शियरी अमाइन अलोंग विद द सम क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। ये जो रिएक्शन है कैसे होती है, ये कैरिड आउट होती है बाय द हीटिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ जो है हम रिएक्ट करते हैं इन द सील ट्यूब के अंदर, ठीक है, 370 केल्विन जो है वो आपने टेम्परेचर रखना है एक सील ट्यूब के अंदर, इसको रिएक्ट किया जाता है, इस रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो अमोनिया अगर यहाँ पे ये जो है अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हम यूज़ करें तो प्राइमरी अमाइन जो है वो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्राइमरी अमाइन है ये हमारे पास क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट जो है प्राइमरी अमाइन बनेगा अगर आप अमाइंस जो है वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज़ करते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो अगर अल्काइल हैलाइड जो है अल्काइल हैलाइड्स जो हैं अगर वो आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें, ठीक है, तो रिएक्शन आपकी कैसी होगी, ये है अगर आप अमाइंस जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो ये होगा प्राइमरी अमाइन बनेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये है अमाइंस, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस ले रही है मैंने यहाँ पे, ये है प्राइमरी अमाइन, इसको हमने अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों R जो कंबाइन कर जाएंगे R2NH+HX, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ पे हैलाइड अटैच होके ये निकल गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो आया स्कैंड्री अमाइन यही बने R2 स्कैंड्री अमाइन, लग गया पता है, यहाँ पे R2 है तो अल्काइल ग्रुप दो है, तो यहाँ पे स्कैंड्री अमाइन है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, अब हमने स्कैंड्री अमाइन को लेना है, ठीक है, स्कैंड्री अमाइन फर्दर अल्काइल हैलाइड फिर से हमने ऐड किया इसमें थोड़ा सा, तो R3 हो जाएगा ये R3, ठीक है, R3N+HX। अब R3N को आपने लेना है टर्शरी अमाइन मतलब बन के टर्शरी अमाइंस लेने हैं आपने प्लस RX, अब यहाँ से क्या हो गया ये, ठीक है, R4N+ N+ प्लस X-, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है फाइनली आपके पास, ये बन जाते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट,
क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, ये फाइनली बनते हैं, यहाँ पे आके प्रोसेस आपकी स्टॉप होती है, ठीक है। तो ये है अमोनोलिसिस। तो अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर आप अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनते हैं, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, देन क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनेगा आपके, मिक्सचर जो है वो सेकेंडरी टर्शरी इनका मिक्सचर जो है अमाइंस का वो आपके पास आता है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि मोनोलिसिस क्या एक्सप्लेन करना है, तो इस तरह से रिएक्शंस लिख के आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसकी एक लिमिटेशन है मोनोलिसिस की कि ये जो मेथड है इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द अराइल अमाइन, सिंस अराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव देन द अल्काइल हैलाइड ओवर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इसके साथ प्रेफर करता है, एरोमेटिक के साथ नहीं। एज दिस मेथड डज नॉट गिव द सिंगल अमाइन नहीं देता, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमाइंस हमारे पास आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर इन द लेबॉरटरी, आल्सो इनको सेपरेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है डिफिकल्ट है लेबॉरटरी के अंदर इनको सेपरेट करना, ठीक है। तो ये एक जो है वो क्वेश्चन भी इस पे आता है कि जो प्योर अमाइन है वो क्यों नहीं प्रिपेयर किए जा सकते अमोनोलिसिस के साथ, ये जो अमोनोलिसिस है इसमें प्योर अमाइन नहीं आते हमारे पास, क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बने, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बने, टर्शरी से क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट कैसे बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड जो है वो करते हैं, इसी को और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो प्योर अमाइन है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस, प्योर अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस, ठीक है। जो अमोनोलिसिस है उससे प्योर अमाइन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ साल्ट जो है वो मिक्सचर ऑफ हमारे पास अमाइंस के आते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करना जो है वो डिफिकल्ट है, इसलिए प्रिपेयर नहीं किए जाते। तो ये है जैसे अल्काइल हैलाइड आपके पास, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे आप ले रहे हैं। अमोनोलिसिस के अंदर क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ अमोनिया किसके ऊपर, ऑन द अल्काइल हैलाइड। तो ये एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन द अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमने शो करना है, ठीक है। अमोनिया जो है इसके लोन पेयर के साथ, हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये एक्ट क्या करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करता है जो अल्काइल हैलाइड है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करेगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनाएगा RnH2, ये बनेगा HX, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। वही फर्स्ट प्राइमरी अमाइन, जैसे कि वही रिएक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, जनरल रिएक्शन मतलब लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन अगेन यहाँ से ये क्या करेगा, अमाइन जो है इसके पास फिर से लोन पेयर है, ये फिर अल्काइल हैलाइड के ऊपर फिर से अटैक करेगा, तो यहाँ पे R2NH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और HX एक बार फिर से निकल जाएगा। फिर इस तरह से फिर इसके पास फिर से लोन पेयर है, अगले जो है थोड़ा सा और इसमें अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेगा, तो R ये कितने हो गए, 3 हो गए, और आपके पास HX जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो R3N आ जाएगा। अब इसके पास फिर से आगे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे RX, ठीक है। तो यहाँ बनाएगा ये R4N पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे जाके क्या बनाता है, ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है, क्या बनाता है ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनता है यहाँ पे जाके इस स्टेप पे, ठीक है। तो फर्स्ट पहले प्राइमरी अमाइन बनते हैं, देन सेकेंडरी बनते हैं, देन आपके पास टर्शरी बनते हैं, देन फाइनली आपके पास क्या आता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट जो है ये बन जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्योर अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय अमोनोलिसिस, ठीक है। तो आपने ये बोलना है कि अमोनोलिसिस के साथ जो है वो हम प्योर अमाइन प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास अमाइंस है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे एक्ट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और वो किस पे अटैक करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करके वो प्राइमरी अमाइन बनाता है। प्राइमरी अमाइन आल्सो कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट आल्सो अटैक ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन आल्सो कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट अटैक ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी अमाइन, ठीक है। टर्शियरी अमाइन आल्सो कंटेन द लोन पेयर, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चली हुई है, ठीक है। तो वो फाइनली क्या बनाता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है आपकी क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है. दिस स्टेप प्रोसेस स्टॉप हियर एज द नाइट्रोजन एटम इन द साल्ट एज इट डज नॉट हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर जाएगी. और सेपरेशन जो है इस मिक्सचर की जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए ये डिफिकल्ट होते हैं प्रिपेयर करना प्योर अमाइन जो है वाई द अमोनोलिसिस प्रोसेस ऑफ अल्काइल हलाइड. अगर आप अल्काइल हलाइड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं अमाइंस, तो यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. प्योर अमाइन को प्रिपेयर करना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर आ जाता है ब्राइमिस कैंडियो टर्शियरी अमाइन को क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का, तो इनको सेपरेट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो ये रीजन है इसमें, ठीक है. इसी तरह से एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने इसी में आपको एक लाइन बोली है कि एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइन है वो गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस से भी प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है. अल्काइल हलाइड जो है वो उससे इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अच्छे से होती है. लेकिन अगर हम उसमें देखें एरोमेटिक अमाइन में, तो वो लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं इतने, इसलिए वो जो है वो प्राइमरी अमाइन वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती है. तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, तो लिख लीजिए इसको, व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस. व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस. क्यों गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस से ये प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्यों नहीं हम कर पाते हैं? आंसर इसका लिखिए कि जो गैब्रियल पैथेलिमाइड रिएक्शन है उसमें जो पोटाशियम पैथेलिमाइड होता है, ठीक है, ये है आपके पास पोटाशियम पैथेलिमाइड. पोटाशियम पैथेलिमाइड जो है इसमें वो एक एनायन की तरह एक्ट करता है, ठीक है. एनायन है ये पैथेलिमाइड, एनायन है, एक्ट नहीं करता, एनायन ही है ये, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. ये एनायन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एंड अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ठीक है. ये किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड की जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर जो है ये अटैक करता है. CO ये एक एनायन जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखिए, तो ये क्या करता है, जो एनायन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और किसके ऊपर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, फिर ये किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, ठीक है. ये जो है यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर, अल्काइल हैलाइड की ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है. अल्काइल हैलाइड की कार्बन के ऊपर अटैक यहाँ पे करेगा ये ऐसे, ठीक. तो इट कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है आपके पास, क्लोरोमीथेन. और ये क्या है, पैथेलिमाइड एनायन है ये, ठीक है. ये क्या है, पैथेलिमाइड एनायन, ये क्या है आपके पास, क्लोरोमीथेन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एन मिथाइल पैथेलिमाइड जो है आपके पास बनता है ये, ठीक है. प्राइमरी अमाइन जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं आपके पास, एन CO CH3 प्लस यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो आ जाएगा आपके पास. तो ये है N मिथाइल पैथेलिमाइड, मिथाइल है यहाँ पे पैथेलिमाइड, ठीक है. N मिथाइल पैथेलिमाइड जो है वो यहाँ पे आ जाता है. सिमिलर रिएक्शन जो है वो अराइल हैलाइड के अंदर ये पॉसिबल नहीं होती है. दिस इज ड्यू टू द मच लेस रिएक्टिविटी ऑफ द अराइल हैलाइड इन सच रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे जो एरोमेटिक जो होते हैं उसमें रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है. सच प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वाई द गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस. तो ये रीजन इसमें आपने देना है कि जो गैब्रियल पैथेलिमाइड रिएक्शन है यहाँ पे जो पोटाशियम पैथेलिमाइड है वो एक क्या है, उसमें जो पोटाशियम पैथेलिमाइड जो है वो हमें क्या देता है, पोटाशियम पैथेलिमाइड एनायन देता है ये, ठीक है. वो एनायन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और अटैक करता है ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ठीक है. जैसे क्लोरोमेथीन है यहाँ पे, उसका हमने ले लिया है. तो इस तरह से जो सिमिलर रिएक्शन है अराइल हैलाइड के अंदर ये पॉसिबल नहीं होती है, ठीक. दिस इज ड्यू टू द मच लेस रिएक्टिविटी ऑफ द अराइल हैलाइड इन केस इन सच अ रिएक्शन, ठीक है. और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है इसलिए कैन नॉट बी प्रिपेयर, हम नहीं कर सकते हैं पैथेलिमाइड सिंथेसिस के साथ. तो ये रीज़न है इसमें आपके गैब्रियल पैथेलिमाइड के साथ हम जो है हम क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है आता है कि जो असाइलेशन है अमाइन की वो टर्शियरी अमाइन में पॉसिबल नहीं होती है, क्या रीज़न है.
तो लिखिए इसमें असाइलेशन ऑफ अमाइन पे गिवन नोट भी आ जाता है, वाई द असाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन टर्शियरी अमाइन ये भी आ जाता है. तो लिखो वाई असाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन टर्शियरी अमाइन. असाइलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले एसिटाइलेशन होती है ये. तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप. व्हाट इज असाइल ग्रुप? CH3CO ग्रुप. ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इनटू एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिटाइलेशन. ठीक है, एसिटाइलेशन. तो एसिटाइलेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इनटू एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिटाइलेशन. तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ. प्राइमरी अमाइन भी सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्ट करते हैं आपके एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी, एसिटाइल एनहाइड्राइड के साथ भी, टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाते हैं. लेकिन जो टर्शियरी अमाइन है ये रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में हमें पता है ये क्या है आपके पास, टर्शियरी अमाइन थ्री अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एसिटाइलेशन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है. एसिटाइलेशन जो है इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन जो है वो एब्सेंट है. तो प्राइमरी अमाइन में देख लेते हैं कि किस तरह से एसिटाइलेशन होती है. देखिए CH3CuCl ये है एसिटाइल क्लोराइड. ठीक है, इथाइल अमीन जो है वो आपने लेना है यहाँ पे. प्राइमरी अमाइन के साथ देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं, ये है हमारे पास C2H5 प्राइमरी अमाइन. ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अमाइन. तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या निकल जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये जो HCl है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और बाकी सारा प्रोडक्ट आपने ऐड कर देना है, CH3CONC2H5 और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एन इथाइल एसिटामाइड. ठीक है, ये इसका नाम. तो इस तरह से रिएक्ट कर जाता है प्राइमरी अमाइन के साथ. सेकेंडरी के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है एसिटाइल क्लोराइड, देखिए CH3COCl, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, NH C2H5, टू मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया अल्काइल के मैंने. ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह पे ये आ गया, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन. डाइथाइल अमाइन है ना ये, और ये एसिटाइल क्लोराइड है. यहाँ पे भी फिर से आपके पास HCl जो है रिमूव हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट को ऐड कर दो, CH3CONC2H5 ट्वाइस प्लस HCl एलिमिनेट कर दो यहाँ पे भी. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है NN डाइ इथाइल एसिटामाइड जो है बन जाता है, NN डाइ इथाइल एसिटामाइड. इसका नाम लिख लीजिए NN डाइ इथाइल एसिटामाइड. ठीक है, नाम आपने लर्न करने हैं, याद रखने हैं क्या है ये. और अगर हम इसमें अब देखें टर्शियरी अमाइन, ये है प्राइमरी अमाइन. ठीक है, प्राइमरी, ये है सेकेंडरी. प्राइमरी के साथ भी इसने रिएक्ट किया, सेकेंडरी के साथ भी, बट टर्शियरी के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन टर्शियरी के अंदर कोई भी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड द एसिटाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन. ठीक है, तो ये है आपका रीजनिंग क्वेश्चन इसका, एसिटाइलेशन जो है वो क्यों शो नहीं करता है ये टर्शियरी अमाइन के साथ. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कई बार आता है वन मार्क्स में, जुपिटर आयन जो है वो क्या होते हैं, जुपिटर आयन क्या होते हैं, जुपिटर आयन जो है आपके, जुपिटर आयन जो है ये एक तरह से आपके पास कंपाउंड है. जब भी कोई भी कंपाउंड जो है जिसमें एसिडिक करैक्टर भी हो, बेसिक ग्रुप भी हो, ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड कंटेन बोथ द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक ग्रुप, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल साल्ट. वो क्या फॉर्म करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल साल्ट. जैसे मान लो यहाँ पे NH2 लगा दूं मैं, यहाँ पे NH2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2, और यहाँ पे HSO3 ग्रुप, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया. ये आपके पास क्या है, सल्फेनिलिक एसिड. इसमें एसिडिक ग्रुप भी है ये और बेसिक ग्रुप भी है. ठीक है, एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप हैं, तो
ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो इंटरनल साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिविटर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे आएगा ये इस तरह से, यहाँ पे आपके पास SO3 नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा NH2 की तरह का एक हाइड्रोजन जो है इसको दे देगा NH3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 आ जाएगा, ये बना आपके पास जविटर आयन। इसको और क्या बोलते हैं, इंटरनल साल्ट है मतलब ये। ठीक है, साल्ट की फॉर्मेशन हुई, जविटर आयन है ये। तो यहाँ आपने बस इतना लिखना है कि व्हेन द कंपाउंड कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल साल्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ से ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन, इट क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप टू द बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप ये था, यहाँ से ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन कहाँ पे गया, बेसिक ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो सल्फेनिलिक एसिड की मैंने एग्जांपल दी है, इसमें दोनों ग्रुप हैं एसिडिक और बेसिक ग्रुप विच एग्जिस्ट एज द जिविटर आयन। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरनल साल्ट द सल्फोनिक एसिड जो है HSO3 लॉसेस द प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन जो है वो लॉस कर देता है विच इज एक्सेप्टेड बाई द बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप NH2 एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ साल्ट। ओके, तो ये रीजन है इसमें कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन जो है एसिड टू बेस की तरफ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जविटर आयन। क्लियर, छोटा सा टॉपिक था ये, डेफिनेशन आती है इसको आपकी जविटर आयन की। तो इसमें और लिखे क्वेश्चन कि जो डायरेक्ट नाइट्रेशन है एरोमेटिक एनिलीन की वो पॉसिबल नहीं होती, वाई द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, लिखे वाई द डायरेक्ट नाइट्रेशन, जो डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर करनी हो एरोमेटिक एमाइन की वो पॉसिबल नहीं है, वाई द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्या रीजन है। तो जो कंसेंट्रेटेड HNO3 होता है ना आपका, वो इज नॉट ओनली द नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या बोलना है आपने कि जो कंसेंट्रेटेड HNO3 है इसी के साथ हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन किसके साथ करते हैं, HNO3 के साथ। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है इज नॉट ओनली द नाइट्रेटिंग एजेंट बट इट ऑल्सो एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों की तरह एक्ट करता है, नाइट्रेटिंग एजेंट भी है ये आपका और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, दोनों की तरह एक्ट करेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करता है ये। तो इसलिए जो डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन के ऑफन गिव्स द टाई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द सम नाइट्रेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ जो है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं नाइट्रेशन प्रोडक्ट के साथ साथ, तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है उसकी तरह तो एक्ट कर ही रहा है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है ये। ठीक है, तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट नाइट्रेशन एरोमेटिक अमाइन की नहीं करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये रीजन देना है आपने इसमें। तो ये थे आपके रीजनिंग क्वेश्चन, एक हम टेस्ट कर लेते हैं। इसमें मेथड्स हैं, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्वड। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में कि मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, तो कौन सा मेथड है वो, उस टेस्ट को बोलते हैं हेन्सवर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, हेन्सवर्ग टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है हेन्सवर्ग टेस्ट, जो हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन को टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि हेन्सवर्ग टेस्ट क्या है, और आपके पास टू मार्क्स में भी ये आएगा आपके पास कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या नेम द टेस्ट दैट गिव्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के साथ पूछा जाता है ये। तो हेन्सवर्ग टेस्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। The test involves shaking the given amine with benzene sulfonyl chloride, आपके पास होता है हिंजन, जो हेन्सवर्ग रिजेंट है उसका नाम है। ठीक है, जो इसमें एक नंबर में आपको आता है हेन्सवर्ग रिजेंट का नाम लिखे, तो वो क्या है आपके पास, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसको हम बोलते हैं हेन्सवर्ग टेस्ट, हेन्सवर्ग रिजेंट। ठीक है, हेन्सवर्ग रिजेंट जो है वन मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हेन्सवर्ग रिजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं
ये किसके प्रेजेंस में जो है वो एक्ट करता है, इसको हमने इस टेस्ट को क्या करना होता है, इसमें हमने शेकिंग करनी होती है अमाइन की, इसके साथ जो हिंसबर्ग रिजल्ट है इसके साथ अमाइन को शेक करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ KOH सॉल्यूशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जो है वो हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री टाइप के अमाइन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, थ्री टाइप के अमाइन जो है वो हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन जो है वो क्लियर सोल्यूशन देते हैं ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स एन इनसॉल्युबल एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनामाइड आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं रिएक्शन जो है वो करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना। तो प्राइमरी अमाइन के साथ हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, तो लिखिए इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेना ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो आपने लेना है, यहाँ पे ये बन गया बेंजीन आपके पास सल्फोनिल क्लोराइड S, ये फॉर्मूला है आपके पास सल्फोनिल क्लोराइड का, ठीक है, SO2Cl। यहाँ पे ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, प्राइमरी अमाइन के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाना है RNH2, ठीक है, R यहाँ पे आ गया, ये प्राइमरी अमाइन है ये आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइन के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से आपका ये HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और बाकी जो है वो आपने क्या करना है, उसको प्रोडक्ट को लिखना है, बाकी को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एस ओ डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, इसमें KOH जो है वो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करना है आपने, KOH का सोल्यूशन जो है वो ऐड करना है यहाँ पे, वाटर जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो वाटर निकाल के फिर नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, पोटाशियम साल्ट आएगा, सो सोल्यूबल होगा KOH के अंदर, ठीक है। वाटर जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, H2O जो है वो आपने यहाँ पे निकालना है, KOH हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये OH, ठीक है, और वाटर जो है वो एलिमिनेट होके आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, NR, और K पॉजिटिव यहाँ लिखना, मतलब इसके बाद ये वाली रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। देन आपने इसमें क्या करना है, HCl जो है वो ऐड करना है, जैसे HCl आप ऐड करेंगे KCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास आ जाएगा एस ओ एन आर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास आर, ठीक है, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड एन, ठीक है, NH, सॉरी यहाँ पे आ गया SO2NR, और यहाँ आपके पास HCl आपने ऐड किया, KCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, N अल्काइल सल्फोनिल सल्फोनामाइड आएगा, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे प्राइमरी जो है आपके पास अमाइन्स है उसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला याद रखना, बेंजीन के साथ SO2 ग्रुप और Cl, ये यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और बाकी को आपने ऐड कर देना, देन KOH ऐड करना है, फिर KCl को रिमूव करना है और बाकी को फिर आपने ऐड करके इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, ये जो है ये आपके पास पोटाशियम साल्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होता है ये, तो ये आपके पास पोटाशियम साल्ट है। और फर्दर जो है
इसमें आपने जो है वो HCl जो है वो ऐड करना, तो KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा वो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, जो इनसोल्यूबल होता है ये HCl के अंदर। ये क्या होता है? इनसोल्यूबल। इसमें HCl के अंदर ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर स्कैंड्रियामाइन की हम ले लेते हैं, स्कैंड्रियामाइन्स। स्कैंड्रियामाइन के अंदर हमने क्या लेना है, ये है आपके पास स्कैंड्रियामाइन। एक अल्काइल ग्रुप और इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे स्कैंड्रियामाइन बन गए। सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आपने क्या करना है, एक अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे साथ में क्या एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे KOH आप इसमें ऐड करेंगे डायरेक्टली। मैं यहाँ पे जैसे कर देती हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा। जैसे KOH ऐड किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्कैंड्रियामाइन के अंदर, HCl एज इट इज जो है आपके पास यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। और बाकी NRR एज इट इज प्लस साथ में क्या निकल गया, HCl। तो इस तरह से ये हो गया स्कैंड्रियामाइन के साथ, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, NN डाई डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये भी इनसोल्यूबल होता है KOH में, इनसोल्यूबल इन KOH। जो प्राइमरी है वो HCl में इनसोल्यूबल होगा, ये KOH में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। जो टर्शियामाइन है वो रिएक्ट नहीं करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के साथ, ठीक है। वो हिंसबर्ग रिजल्ट जो है उसके साथ जो है वो टर्शियामाइन आपके क्या करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये है आपके पास हिंसबर्ग रिजल्ट। तो जो टर्शियामाइन है यहाँ पे थ्री अल्काइल ग्रुप 1, 2, 3 ये रिएक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख लो चाहे, ठीक है। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसमें हम KOH ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है नो रिएक्शन, ठीक। RX अल्काइल सॉरी HCl ही ऐड करके देखिए, HCl फर्दर इसमें जो है ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे KOH आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पे जो है वो टर्शियामाइन रिमेन रहेंगे जो इनसोल्यूबल होंगे, टर्शियामाइन्स ही आपके पास यहाँ पे आएंगे, इनसोल्यूबल होंगे जो, ठीक है। यहाँ तक टर्शियामाइन रहेंगे सेम ही, फिर उसमें आपने क्या करना, थोड़ा सा HCl जो है वो हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ क्या जाता है R3NHCl। तो ये साल्ट जो है आपके पास बन जाएगा यहाँ पे ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड है, ये ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड जो है आ जाता है। और ये आपके पास सोल्यूबल होता है किसमें, इन HCl, सोल्यूबल इन HCl। तो ये थे आपके इस चैप्टर के जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस, और ये टेस्ट था, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है ये, ठीक है। बाकी आपकी रहती हैं इस चैप्टर की कन्वर्जन्स और कुछ कंप्लीट करने को रिएक्शंस जैसे आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो, तो उसके साथ ये रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर के जो है वो ख़त्म होते हैं। बाकी कन्वर्जन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मैं करवाऊँगी, बाकी कुछ जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है इन कन्वर्जन्स की।